जी मित्र प्यारियो, चढ़दे पंजाब ते लहिंदे पंजाब दी वंड दे उत्ते अज असीं तुहाडे नाल कहानी सांझी करन जा रहे हां, जिंदा नां है जागदियां पीड़ां। इह कहानी जी साडे मंडी समान वाले दे डॉक्टर अशरफ साहब ने लिखी है जी, ते बहुत दुख भरी कहानी तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हां जी। ते लो फिर जी आओ सुनने हां कहानी जागदियां पीड़ां जी। डॉक्टर अशरफ साहब, 14 अगस्त 15 अगस्त जिन्हों असी आज़ादी का दिहाड़ा आखने, यौमे आज़ादी आखने, तो खुशियां मनाने, उदे ते एक कहानी है जागदियां पीड़ा। वो हाजरे खिदमत है, मुगलपुरे के रेलवे स्टेशन ते हुण रेल गड्डियां का आवन जावन घट गया। उस दे उजड़े हुए प्लेटफार्म ते दक्खन वन्ने एक बुढ़े बोर्ड दे थले लकड़ दा बेंच पिया है। वैसे ते लाहौर दे काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन ने, लेकिन उन्हां दे विचों मुगलपुरा भी एक मशहूर रेलवे स्टेशन है और लाहौर सिटी दे अंदर ही मौजूद है। मैं सुगरा बीबी नूं पहली बार उस बेंच ते बैठिया वेख्या सी। हुण मैं 12 साल मगरों जब मुगलपुरा रेलवे स्टेशन ते आया ते सुगरा बीबी मैनू किधरे भी ना दिसी। प्लेटफार्म ते टावा टावा लोग दिसदे सी, स्टेशन ते मुलाजम भी सारे बदली हो गए सन, ते कोई भी नहीं सी जो सुगरा बीबी नू जानदा होवे। पर मैं 12 साल पहले 1998 च इस रेलवे स्टेशन ते इस बोर्ड के थले सुगरा बीबी नू मिलिया सी। उस समय मैनू वंड वेले दे इंज दे बुजुर्गां दी भाल सी, जिन्हां नाल उस समय जो दुख वापरिया ते उन्हां अपने जीवन नाल सारी उम्र ओह दुख हंडाया। इंडिया तो पाकिस्तान आए वखो वख लोकां दे इंटरव्यू करके उन्हां दी दुख भरी दास्तान संडे अखबार विच लिखना मेरा काम रहिंदा सी। इन्हां लोकां दे विचों एक सुगरा बीबी भी सी जिन्हों सारे माई हिंदुस्तानी आखदे सी। माई जी मुगलपुरा दे नेड़े एक बस्ती फतेहगढ़ अपनी धी नाल रहिंदी सी। वैसे हुण ओह बस्ती लाहौर दा एक हिस्सा है, लाहौर दे विच ही है और लाहौर ही बन गया। धी दे विआह तो बाद माई जी उस वेले कलम कली रह गई सी। जद मैं स्टेशन ते सुगरा बीबी नू मिलिया ते पाको हिंद दी गल छिड़ी, ते माई साहिबा ने उस वेले दी गल चेता करन तो बड़ी जान छुड़ाई। मैं उन्हां कोलों उस वक्त दी बीती हुई कहानी सुनना चाहुंदा सी, लेकिन सुगरा बीबी स्टेशन ते आन जान वालियां ट्रेना च गोलियां टाफियां वेच के अपना टुकर सीधा कर दी, गड्डियां दे विच गोलियां टाफियां वेच के ते शाम नूं घर टुर जांदी। मैं उस कोलों वंड वेले दंगियां वेले दी हड बेती सुनन लई बाज़िद रहा। मेरी जिद करन ते सुगरा बीबी ने यादां दी पोटली खोली ते उन्दे विच रखे महीने ते सालां दे लिफाफे नूं खोलना शुरू कर दिता। माई साहबा बड़ी सोहनी उर्दू भी बोल सकदी सी। उन्हें दस्या बई दिल्ली दे नेड़े एक इलाका अहमदनगर च साडा घर सी। मेरा बाप रसूल बख्श अहमदनगर दी जामिया मस्जिद दे इमाम सन। उस वेले अहमदनगर दे वसनीक बड़े इंसान दोस्त ते भले बंदे सन। मेरा बाप मौलवी रसूल बख्श पिंड दे पड़ाकू ते सियाणिया बंदियां विचों एक सन। मुसलमाना दे नाल नाल सिखां ते हिंदुआं दे बाल भी उन्हां कोलों पढ़न लिखण लई आउंदे। 47 तो पहला साडे घर रोज़ अखबार आउंदा
तो पूरे गली महल के लोगों को अखबार पढ़ के सुनाने की ड्यूटी भी मेरे अब्बा जी की सी। उस वेले सुगरा बीबी की उम्र कोई 17 या 16 साल सी। तो पूरे पिंड विच मौलवी जी रसूल बख्श की डाढ़ी इज्जत ते वकार बनया होया सी। हिंदू ते सिख मौलवी साहब नू भाई जान आख के बुलाउंदे ते मेरी माँ जी नू सारे वड्डे छोटे भैन जी बुलाउंदे सन। अगस्त 1947 दी गल ए, एक रात मेरे मामे ने अब्बा जी नू आख्या, भाई जान हालात बड़े खराब हो गए ने, हिंदू मुस्लिम फसाद फुट पए ने, हुण अपना इत्थे रहना बड़ा औखा। मेरे अब्बा जी बोले, किंज दी गल करना इमाम दीना, ओए अपने पिंड वाले उंज दे नहीं दे, साडे पिंड दे तां इस पिंड विच भाई भाई बन के रहिंदे ने, साडा दुख सुख मरण जीवन सांझा है। नाले असी इत्थों चले गए तो वड्डियां दीआं कबरां ते फातिहा खानी कौन करेगा, फातिहा कौन पढ़ेगा। उस शाम मेरे मामे ने अब्बे नूं बड़ा समझाया पर अब्बा ना मन्निया। अगले दिन किसे अफवाह खिलारी बई लाहौर दे नेड़े गुआवा पिंड विच मुसलियां ने 7 हिंदू औरतां नूं कतल कर दिता। पिंड दा सरपंच गोपी राम बड़ा साऊ बंदा सी, उसने बड़ी कोशिश की थी बई इस खबर नूं झूठा साबित करां, पर ए चंग्यारी सी सुक्की पराड़ी नूं लगदिआं नाल भांबड़ मच पिया। उसे रात हिंदुआं दा कट्ठ हो गया, काली माता की जय काली माता की जय दे नारे लगन लग पे। असी सारे घबरे सी पर पता नहीं क्यों अब्बा हर तरफों ही मुतमिन सी ते ए मनन लई तैयार ही नहीं सी भी पिंड विच किसे किस्म दी कोई मजहबी तफरीक या कोई धर्म दा रौला होवेगा या हुंदा पिया। असी सारे घर वाले उन्हूं समझाउंदे पर ओह मनदा ही नहीं सी, उल्टा आखदा किन्ने वरियां तो सारे पिंड दे लोग हिंदू मुस्लिम सिख असी इको भांडे च खाने आ, साडियां गमियां शादियां ਉਹ ਸਭ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਿੰਦਰੇ ਭਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜੇ ਵੀ ਪਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਬੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਬਈ ਭਾਅ ਜੀ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਤਬਿਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਕੀਨਾ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਗਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ
तू टोंबा संभाल, जेवर संभाल, आपां अज ही दिल्ली छड्ड देने आ। अबे दा फैसला अचनचेत नहीं सी, उहदे पिछे पता नहीं किन्ने दिन ते रातां दी सोच विचार सी। मैनू याद है उस वेले अबे दी आवाज़ किसे डूंगे खूह दे विचों निकल के आ रही सी। मेरी माँ ने टूंबा ते कुछ पैसे कपड़े एक थां बन लै, एक संदूक दे विच मेरे बाप रसूल बख्श दियां नादर किताबां रखियां। अद्धी रात दा वेला ते हर पासे मौत दी हो, कोई भी आवाज़ नहीं सी सुनाई देंदी। असी अपना ये कीमती समान लै के अजे घरों निकले ही सां कि किसे ने हिंदुआं बलवाइयां नूं खबर कर दित्ती। मेरी छोटी भैन दे हथ विच तोते दा पिंजरा ते एक टाकियां दी बनी गुड्डी सी। मेरे वड्डे वीर कोल अबे दियां किताबां दा संदूक ते कपड़े, इसे तरह मेरे मामे दा पूरा कुनबा भी जो जो चुक सकिया। औरतां ने टोपी वाले सफेद बुरखे पाए सन, जिहड़ियां मेरे तो वड्डी उम्र दियां जवान मेरे मामे दियां धीआं सन। मेरे अबे दे हथ दे विच कुरान मजीद सी ते ओह ऐतल कुरसी दा विरद करे जांदा सी। एक उच्ची ते गरजदार आवाज़ विच नारा बुलंद होया, काली माता की जय, काली माता दी जय। पर ये आवाज़ जानी पछाणी सी, ये ते बाबू राम दी आवाज़ है। सारे कहन लग पे, ओहो ही बाबू राम जिंदी छोटी भैन जीवनी दा विआह अबे ने नाल दे पिंड कराया सी। मेरे अबे ने कहा, ओ बाबू रामा तू इन्हां सारिआं नूं आह सानूं जान देवन, नाले तू तो मेरा पुत्र बनिया सै। बाबू राम ने कुछ ना सुनिया ते कहन लगा, सुसरा मैनू पुत्र आखना? कोई पुत्र नहीं साला, तू मुसला ते मैं हिंदू, फाड़ लो सारिआं नूं, साडियां धीआं भैणां नूं बर्बाद करके तू अपनियां नूं बचा के भला किवें लै जाएगा। सारिआं कोल नंगियां तलवारां सन ते नेजे सन। एक ने मेरे अबे नूं गलम फड़िया ते जोर नाल मूँह ते थप्पड़ मारिया। बजुर्ग चेहरे ते थप्पड़ पिया ते मेरे वीर दी चीक निकल गई। वो अगे वध्या सी कि एक बलवाई ने मेरे वीर दे ढिड विच खंजर मार दिता। मेरे वीर दियां अखां असरत नाल खुलियां रह गईयां ते साडे पैरां विच खून ही खून हो गया। मेरा वीर उत्थे ढेर हो गया। कुछ हथ टोपी वाले बुरकियां वन वधे ते बस बुरकियां दियां इज्जतां लीरो लीर हो गई। हाड़ियां ते वास्तियां दे नाल नाल ये आवाज़ां भी आ रही सन, जय काली माता, तेरे पुत्रां दी जय काली माता। सब कतल हो गए। दूरों एक फायर दी आवाज़ आई ते मैं भज के मस्जिद च वड़ी। अगे कुरान मजीदा दा जमीन ते ढेर लगा पिया सी। मैं उन्हां दे उत्ते डिग के बेहोश हो गई। जदों होश आया ते मैं एक गड विच सां, बैल गाड़ी। मैं कमली झली ते पागलां वाकन हो गई सां। पता नहीं किन्ने दिन इवें ही रही। बस साडे पिंड दा एक गभरू मुंडा रशीद ते मैं इस काफले चों असी दोवें बच सके। रशीद मैनू मुर्दे नूं लै के सरदों पार लै आया ते असी उस वतन विच आ गए जिथों दियां सानूं उम्मीदां सी कि इत्थे साडा जीवन सौर जाएगा। साडे दोवां दा कोई होर नहीं सी। कुछ चिर बाद रशीद ते मेरी रजा मंदी नाल साडा विआह हो गया।
ते मैनू रब ने एक धी दिती। इस तो फौरन मगरों रशीद चोखा बीमार होया ते इस दुनिया तो सानू मां धी नू छड़ के चला गया। बस उदों तो लै के मेहनत मजदूरी कर दी, अपनी जवानी नू टाल लिया, कदी सब्ज मंडियां च गंढे छिलती रही, कदी सड़कां ते बजरी सट्टदी रही, कदी लोकां दे कपड़े भांडे धोंदी रही। ते जदों हड्डियां बुढ़ियां हो गईयां धी नू व्याह लिया ते मुगलपुरे दे स्टेशन ते गोलियां टाफियां वेचन लग पई। माई हिंदुस्तानी दियां अखां चों वगदा पानी किसे नहर तों कट नहीं सी। मुगलपुरा स्टेशन दे टुटे बेंच ते असी दोवें बड़े उदास बैठे सां। मैनू माई हिंदुस्तानी दे कद अगे वड्डे तों वड्डा मुजाहिद वड्डे तों वड्डे मुजाहिद दीआं कुरबानियां वी छोटियां लगन लग पईआं। किन्नी अजीम औरत सी जिंदे पूरे कुनबे दी खून जिंदे पूरे कुनबे दी खून ते कुरबानियां इस धरती लई डुलियां ते जाना दितियां, जिंदी आज़ादी दे असी जश्न मनाने आ, पटाके चलाने आ, झंडे मोटरसाइकलां ते ला के ढोल ढमकियां अगे नचने आ। मैं ये सोच ही रहा सा कि दूरों गड्डी दी सीटी दी आवाज़ आई। स्टेशन ते गड्डी रुकी, माई हिंदुस्तानी सुगरा बीबी ने च्युंगम गोलियां ते टाफियां दा भरिया थैला चुकिया ते टुर पई। ट्रेन दी खिड़की दे अगे जा के अजे उन्हें कुछ आख्या भी नहीं ते अंदरों बैठे बाऊ ने आख्या, माई माफ़ करो, माई माफ़ करो।